वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, दो तीन गल्लां करनियां सी उहदे करके लाइव करना पै गया। वो ये सी कि सवेर दा सोशल मीडिया ते बड़ा भरम फैलाया जा रहा सी कि जिहड़ी महराज पिंड रैली हो रही है वह कैंसल हो गई। कोई और रैली इस कैंसल नहीं हुई, उस रैली विच आपां सारे हुम हुमा के पहुंचीए तां जो बोली सरकार दे कन्नां तक यह गल जा सके कि अपना जिहड़ी जाति नौजवानां नाल कीती है दीप सिद्धू ना लखे सिधाणे ना और होर भी जिहड़े नौजवान साडियां बीबियां भैणां बजुर्ग साडे जेलां च बंद ने उहनां बारे। सो सारी संगत दे चरणां विच हथ बन के बेनती है कि महराज कल नूं जरूर पहुंचियो। कल दा दिन बड़ा इतिहासक बड़ा अहम दिन है। वह इस करके है कि कल दीप सिद्धू की दिल्ली कोर्ट के पेशी है, उन्हें पेश करना है। उसके रिमांड ने अज खत्म हो गया, कल उन्हें पेश करेंगे। एक कल महराज कट्ठ है, सारी संगत को बेनती है कि जिहड़े उत्थे अपना दिल्ली दे लोकल ने उत्थे जे जाना चाहुंदे ने तां उत्थे जा सकदे ने 30,000 कोर्ट च, क्योंकि कल दीप सिद्धू की पेशी है। तो बाकी सारी संगत के चरणों में बेनती है कि आपां सारे दे सारे कल महराज पहुंचीए तां जो उत्थे वड्डा इकट्ठ हो सके। ते इक साडे नाल काफ़ी ज़्यादा फौजी वीर सी जिहड़े उन्हां दे फोन आ रहे ने, उन्हां नूं असीं बेनती करदे हां कि दो नंबर थोनू लिखाने हैं। ये साडे साबका फौजी ने वीर है जिहड़ी कमेटी बनाई है, एक मुंडा उस कमेटी च भी है। तो इन्हां दे नंबर लिख लैण, मोहाली वाले अपने पटियाले इत्थे फतेहगढ़ साहब वाले रोपड़ वाले जिहड़े भी आले दुआले दे जिन्ने क सानू फोन करदे ने फौजी वीर, उन्हां दे चरणां च बेनती है कि सानू कोई फाल्ट पै गया सी जी। ते उह साबका फौजी वीर ने जिहड़े उन्हां दे चरणां च बेनती है कि दो नंबर नोट कर लो। एक है लखविंदर सिंह जिहड़ा कमेटी का मैंबर है, उहदा नंबर है 72777 71313। दोबारा फिर नोट कर लो जी, लखविंदर सिंह मोहाली तो है मुंडा, 72777 71313। दूसरा है मुंडा गुरविंदर सिंह, लखविंदर दे नाल ही हुंदा, ये भी साबका फौजी है। इहदा नंबर लिख लो 95692 63611। दोबारा फिर लिख लो जी, 95692 63611। ये मुंडे का नाम है गुरविंदर सिंह, ये भी साबका फौजी है, हुणे अपना मार्च अप्रैल च पिछले साल ये रिटायर हुए ने, साडी जथेबंदी नाल दीप सिद्धू नाल जुड़े हुए ने। सो सारियां ने चरणां विच इस बेनती करन लई इकट्ठे हुए सी कि फौजी वीरां दे काफ़ी ज़्यादा सानू फोन आ रहे ने, उन्हां वीरां दे चरणां च बेनती है कि दो मुंडे साबका फौजी ने, इन्हां नाल तुसीं संपर्क कर लो। बाकी आपां जिहड़ी हैगी गल कलू करांगे। एक जिहड़ा सब तो अहम है वह यह है कि हुण बस रात ही रह गई समझो, जिन्ना क संपर्क संगत नाल हो सकता सारी संगत दे चरणां विच बेनती की जाए। असीं भी कर रहे हैं, काफ़ी समय दे सवेर दे लगे हुए हैं कि टैलीफोनां द्वारा सारी अपने रिश्तेदार सके संबंधियां सज्जणां मित्रां नूं कहीए कि कल दा जिहड़ा इकट्ठ है वह आपां बहुत वड्डा इकट्ठ कर लईए। एक किस्म दी नौजवानां दी महापंचायत है, कल दे इकट्ठ तों शुरुआत हो जूगी। काफ़ी संगत विदेशां विच भी सारी संगत कह रही है कि कल दे इकट्ठ बारे तुसीं कहो जी, इस करके लाइव होके कह रहे हैं। संगत नूं बेनती है कल दीप सिंह दे दीप सिद्धू दे उदयकरण पिंड भी काफ़ी संगत सी वधिया, उत्थे जिहड़ा रोस मार्च कीता है हरी नौ सिंह पिंड तों शुरू होकर वख वख पिंडां च हुंदा जाए, बड़ा उन्हों भी हंगारा मिलिया। उस संगत का भी बहुत बहुत धन्नवाद है जी, जिन्होंने उस रोस मार्च नूं एडा वड्डा हंगारा दिता। असीं सारिआं दा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। बाकी NRI वीर पुछदे ने भी साडे लायक कोई सेवा दसो। सब तो पहलां इह है उन्होंने तुहाडे चरणां च इक बेनती है कि जिहड़े तुहाडे उरे सके संबंधी ने तुहाडे परिवार ने इन्हां सारिआं नूं कहो ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ
फिर संघर्ष जितण बड़ा मुश्किल हो जूगा। सारी संगत के चरणों में बेनती है कि आप मोर्चे भी शमूलीयत करनी है, कल महराज पिंड भी बड़ी गिणती आप सारिया ने पहुंचना, और जिहड़े उत्थे दिल्ली बैठी है संगत जां उत्थे ने उह तरीक है कल 30,000 कोट च दीप दी, जे किसी ने जाना होया वह भी उत्थे जा सकदा। ते कल बड़ा अहम दिन है अपने वास्ते, एक तां महराज कट्ठ है, दूसरा दीप सिद्धू दी कल पेशी है। गुरु महाराज कृपा करन, सतगुर सच्चे पातशाह अगे अरदास करिए, शाम नूं रह रहा सब टाइम कि सतगुर सच्चे पातशाह दीप दा कल रिमांड खत्म हो जाए। सो उस तो बाद अगली जिहड़ी कानूनी कार्रवाई है उह आपां करिए, और गुरु महाराज दे चरणां च अरदास करिए कि दीप जल्दी तो जल्दी जेल दियां सलाखां चों बाहर आवे। सो यही दो चार गल्लां सीआं। एक साबका फौजियां दे चरणां विच बेनती है कि जिहड़े दो तुहानूं नंबर लिखाए सी लिखाए ने उन्हां मुंडियां नाल तुसीं संपर्क कर लिओ। सो इन्नियां के गल्लां सी, होर का बाकी गल्लां कुछ कल करांगे, कल जां परसों नूं जे कल टाइम नाल आ गए तां कल, नहीं तां फिर कल तों अगले दिन। जी सारी संगत दे दुआरा चरणां च फेर बेनती है कि वध तों वध संगत महराज दाणा मंडी च इकट्ठ है, उत्थे पहुंचो। कोई रैली कैंसल नहीं हुई, कोई कुछ कही जावे आपां जाणा ही जाणा है। इस करके वधो वध इकट्ठ उत्थे करिए तां जो सारिआं नूं पता लग सके। इस तरह यह एक ये जिहड़ा इकट्ठ है एक यूथ विंग लई नौजवानां लई चैलेंज भी है। आपां इकट्ठ करके जब दिखाता ना फिर सारा कुछ ठीक हो जूगा, कई गल्लां इकट्ठ ठीक कर देंदे हुंदे ने। सो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, 10 ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।